कांग्रेस से निष्कासित डिंडोरी के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेन बिहारी शुक्ला गृह मंत्री को कॉल कर रोए और कहा, कांग्रेस ने मेरी चरित हत्या की है। उनकी शिकायत सुनकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कमलनाथ डिक्टेटर हो गए। इस नेता को मिश्रा ने भरोसा दिलाया कि उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। डिंडोरी में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद से हटाए गए वीरेन बिहारी शुक्ला ने गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सामने अपना दुखड़ा रोया। उन्होंने फोन पर अपनी और परिवार की जान को खतरा बताते हुए मिश्रा से मदद की मांग की। उन्होंने कहा, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मेरी चरित हत्या कर दी है, मेरा पूरा परिवार खतरे में है, आपका सहयोग चाहिए। इस बातचीत के दौरान वे खूब रोए। आप क्या थे पार्टी में, कांग्रेस में क्या थे आप? मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था डिंडोरी में। ओके। तो उन्होंने क्या हुआ कि पहले बिना कारण के मुझे पद से हटा दिया। अच्छा। तो कमलनाथ जी को मुझे हटाने का अधिकार नहीं है। सिर्फ बात की शिकायत मैंने अच्छी बात की कांग्रेस कमेटी दिल्ली से की। जी की मैं इस्तीफा देता हूँ तो मुझे हटा सकते थे और बना सकते थे। जी। तो उन्होंने क्या हुआ कि मुझे मैंने यहाँ बयान दिया कि इसको अधिकार नहीं, मुझे हटा देगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तबाह कर रही है और प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह चला रहे हैं जो कंपनी की तरह। तो उस पर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे फिर पार्टी से निष्कासित कर दिया, ये आरोप लगा के वरिष्ठों के खिलाफ आपके द्वारा अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। जी जी। और मतलब जब इन्होंने वो लगा कि प्रदेश कांग्रेस में हमने अखिल भारतीय में कांग्रेस शिकायत कर दिया कि इनको अधिकार नहीं है, इन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे मेरा चरित्र खंडन करते हुए मुझ पर एक आरोप लगवाया कि मैं अप्रैल माह में मई माह में भोपाल के एक होटल में नहीं ऐसा नहीं, आप चिंता नहीं करें, मेरे संज्ञान में आपने विषय दिया है, मैं जानकारी लेता हूँ उसका। हाँ। और मेरे पिताजी और बच्चों को मैंने ना आज भोपाल रवाना किया है। जी। वो क्या है, आवेदन लेके आपके पास आएंगे? मेरे पास आएंगे, जरूर आए। जी मेरे पिताजी जो है 80 साल के हैं, मेरी तो छोटी छोटी बच्ची है। नहीं आप रो मती, घबराओ मती, डरने की जरूरत नहीं है, सब साथ हैं अपन, बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं ठीक है, मैं चिंता करूंगा पूरी, है ना, आप चिंता नहीं करो। बिल्कुल पूरा बिल्कुल, नहीं घबराइए मती, घबराइए नहीं, नहीं धैर्य रखो, कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं। इस बात की जानकारी खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान दी। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को ऐसा नहीं करना था, आपका जिलाध्यक्ष था, आपको तानाशाह कह दिया तो आप इतने बड़े डिटेक्टर हो गए कि उसकी चरित हत्या की कोशिश करने लगे, ये आपका दूसरा ही रूप कार्यकर्ता देख रहे हैं। उनका थाने में आवेदन आया है, ये सही है, और कमलनाथ जी ऐसा करना भी नहीं चाहिए, आपका जिलाध्यक्ष था, आपको तानाशाह कह दिया तो आप इतने बड़े डिक्टेटर हो गए कि उसकी चरित्र हत्या की कोशिश करने लगे हो, ये आपका दूसरा रूप कार्यकर्ता देख रहे हैं कि किस तरह से, या तो जय जय कमलनाथ बोले और नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करके आपका मीडिया सेल चरित हत्या करता है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है, योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।